आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S23 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि सैमसंग का एक फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है और अभी आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर काफी एक अच्छी डील है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कितनी प्राइस रेंज के अंदर मैंने इस स्मार्टफोन को बाय किया है। और हाँ, वीडियो के एंड में आपको इस अपडेट के अंदर और इस स्मार्टफोन के अंदर काफी कमाल के फीचर्स है ना वो यहाँ पर मिले हैं गैलेक्सी AI के, उनके बारे में भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये वाला जो फोन है ना वो पहले से अनबॉक्स है, क्योंकि आपको पता ही है फ्लिपकार्ट के ऊपर ओपन बॉक्स डिलीवरी है ना वो यहाँ पर चलती है, तो हमें अनबॉक्स करने का मौका नहीं मिलता है। सारा मजा है ना वो यहाँ पर डिलीवरी वाले भैया है वो ही यहाँ पर उठा लेते हैं। तो देख सकते हो मैंने इस फोन को यहाँ पर बाय किया है लेवेंडर कलर के अंदर, जो कि इजीली आपको मिल जाएगा क्योंकि इस फोन के ऊपर इतना रश है ना वो हमें इस बारी सेल के अंदर देखने को नहीं मिला है। पहले भी ये वाला फोन है ना वो यहाँ पर सेल पे आया था, लेकिन ये अभी काफी अच्छी डील है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। तो जैसे आप लोग लीड को हटाओगे चमचमाता हुआ आपको ये वाला फोन है वो मिल जाएगा। तो इसको हम लोग एक बार साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें है ना वहाँ पर मिली है। वैसे ज्यादा कुछ उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि बॉक्स की डिजाइन है ना वहाँ पर काफी ज्यादा स्लिम है। इसके अंदर आपको सिंपली एक नॉर्मल पिन है ना वो यहाँ पर मिल जाती है, डाटा केबल। तो चलो अच्छा है यार, डाटा केबल तो इन लोगों ने दे दी ना, लगता है थोड़े दिनों बाद में डाटा केबल है वो भी बॉक्स से यहाँ पर गायब हो जाने वाली है। अब आप लोग देख सकते हो Type-C आपको डाटा केबल मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यार सैमसंग का एक फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है, ये सभी चीज़ें है ना वो तो हमें देखने को मिलेगी ही। बाकी फ़ोन की डिज़ाइन है वो आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है। ये वाला फ़ोन बेसिकली मेरा नहीं है, घर पर मैं किसी को दूंगा यूज़ करने के लिए, तो आप लोग समझ गए होंगे लेडीज के लिए ये वाला फोन है, इसलिए मैंने ये वाला कलर है ना उसको यहाँ पर चूज किया है। तो काफी यार यहाँ पर शाइन मार रहा है। बाकी लाइट की तरफ आप लोग लेके जाओगे ना तो एक अलग ही कलर है वो आपको मिल जाएगा, और अगर आप लोग डार्क साइड लेके जाओगे तो इसका जो ओरिजिनल कलर है वो आपको यहाँ पर शो होगा। मेरे को डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी है और काफ़ी कंफर्टेबल एक फ़ोन है, हाथों में पकड़ोगे ना अगर आपके बड़े हैंड है तो लगेगा कि यार एकदम पिद्दू सा फ़ोन है ना वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सिंपल डिज़ाइन है, तीन आपको कैमरे मिल जाते हैं पीछे की साइड, एक फ्लैश लाइट और एकदम सिंपल डिज़ाइन। सामने से आप लोग इस वाले पेपर को हटाओगे तो यार क्या ही यहाँ पर फीलिंग आती है। ये वाली जो चीज़ है ना वो सबसे अच्छी लगती है जब हम लोग फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। बाकी गाइज आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ आपको कोई भी प्रोटेक्टर या फिर फिल्म है वो लगी भी नहीं मिलेगी, लगी भी थी जिसको कि हमने हटा दी है। और जो पहले वाले फ़ोन आते थे उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ मिलता था, जो कि हमें टाइम मिल जाता था शॉप के अंदर जाके कुछ ना कुछ हम लोग लगवा सकते थे। तो आपको क्या करना है, अब डायरेक्ट आपको इसने हटा दिया है तो लोकल शॉप पर जाना है और इसके ऊपर आपको सिंपली एक ग्लास है ना वो लगवा लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो बॉर्डर वाला ग्लास है उसको थोड़ा स्किप करना, वरना इसकी जो बेजल्स है ना वो आपको थोड़ी बड़ी लग सकती है। नीचे की साइड आपको यहाँ पर चार्जिंग लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है। बाकी सामने की जो फ्रंट डिस्प्ले है वो आप लोग देख सकते हो, बेजल्स काफ़ी कम मिलती है। आगे हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो जो चीज़ें हैं ना सेटअप के अंदर उसको हम लोग फटाफट से सेटअप करते हैं। और एक छोटी सी चीज़ रिकमेंड करूँगा, जितने भी ये जो गूगल के ऑप्शन हैं इन सभी को आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि यार बैकग्राउंड के अंदर ये वाली जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी है वो कंज्यूम करती है। और सब चीज़ों को हम लोग स्किप करते हैं और फटाफट से आते हैं फाइनल पेज के ऊपर। तो देख सकते हो गाइस फाइनली हमारा जो फ़ोन है ना वो फर्स्ट बार यहाँ पर बूट हो चुका है, और इस प्रकार का वॉलपेपर है ना वो आपको लेवेंडर कलर है उसके अंदर देखने को मिल जाता है। अभी इस फ़ोन के अंदर One UI 6 का अपडेट है वही इंस्टॉल्ड है, तो आपको लेटेस्ट अपडेट है ना वो यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, तभी आपको सभी गैलेक्सी AI के फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे। काफ़ी एक प्रीमियम फ़ोन है ना वो आपको मिल जाता है, सभी आपको नए One UI 6 के फीचर्स है ना वो इस अपडेट के अंदर और इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एक बार मैं आपको सेटिंग के अंदर चीजें है ना वो यहां पर चेक करवा देता हूं। अबाउट फोन के अंदर तो यार सीरियल नंबर वगैरह है, एक बार इसको थोड़ा साइड में करते हैं। अब आप लोग देख सकते हो इस फोन के अंदर आपको One UI 6 एंड्रॉयड 14 का ऑफिशियल अपडेट है वो प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिला है, जो कि काफ़ी सही है। और जल्दी ही इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉयड 15 का अपडेट है वो भी मिल जाएगा, एंड्रॉयड 16 का अपडेट भी मिलेगा और एंड्रॉयड 17 का अपडेट है वो भी यहाँ पर मिलेगा। तो 3 से 4 सालों तक तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें फ़ोन वगैरह ना वहाँ पर चेंज भी करना है या फिर नहीं।
तो अब आप लोग देख सकते हो गाइस, सेटअप हमने यहाँ पर फोन को कम्प्लीटली कर लिया है। अब सैमसंग का ये वाला फ्लेक्सीबल स्मार्टफोन है, तो थोड़ा हम लोग कैमरा है ना उसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। इस फोन के अंदर आपको रियर के अंदर 3 कैमरे का सेटअप मिलता है। फर्स्ट है 50 मेगापिक्सल का जो कि मेन कैमरा है, सेकंड है 10 मेगापिक्सल का जो कि टेलीफोटो है, और थर्ड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अब हम लोग इस फोन के अंदर कुछ फोटोज है ना वो क्लिक करते हैं और क्वालिटी में आपको दिखाता हूँ। फ्रंट में आपको जो कैमरा है ना वो 12 MP का मिलता है जो कि नंबर के अंदर हिसाब से कम है, लेकिन फोटो आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। ऊपर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने का जो फीचर है ना वो भी यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि 12 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल। तो अभी हम लोग 50 मेगापिक्सल है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो देख सकते हो 50 मेगापिक्सल। फटाफट से फोटो को क्लिक करते हैं और अभी मैं आपको इसकी जो क्वालिटी है ना वो यहाँ पर दिखाता हूँ। बिल्कुल भी जो फोन है ना वो यहाँ पर लेग नहीं करता है। अब गाइज आप लोग देख सकते हो 50 मेगापिक्सल के अंदर आप लोग कुछ ऐसी फोटो है ना वो क्लिक कर पाओगे। कीबोर्ड के अंदर जितनी भी जो डिटेल्स है ना वो आपको सभी इस फोटो के अंदर देखने को मिल रही होगी। बाकी मैं आपको थोड़ी सी एक इसकी डिजाइन है वो भी यहाँ पर बता देता हूँ। पीछे की साइड आप लोगों को मेट इफेक्ट है ना वो यहाँ पर लगभग मिल जाता है, ना ही तो ज्यादा ग्लोसी है और ना ही आप लोगों को ज्यादा मेट इफेक्ट है वो मिल जाता है। टच करके देखोगे तो काफी अच्छा फील है ना वो यहाँ पर होगा। और जो साइड की जो फ्रेम्स है ना वो आपको एल्यूमिनियम की मिलती है, तो ये भी दिखने में काफ़ी सही है और यहाँ पर ग्लोसी इफेक्ट है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। सामने की तरफ आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ना वहाँ पर मिल जाता है, जो कि स्क्रीन के हिसाब से काफ़ी एक स्क्रीन अच्छी है ना वहाँ पर मानी जाती है। और सैमसंग की स्क्रीन है तो ज़्यादा हम लोग कुछ ना ही बोलें तो ही अच्छा है। डिवाइस के अंदर आपको काफ़ी सारे गैलेक्सी AI के नए फीचर्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं One UI 6.1.1 अपडेट के साथ में। जैसे कि फर्स्ट गैलेक्सी AI का जो फीचर है ना वो गाइज आपको मिलता है यहाँ पे, ये वाला जो कि है स्केच। अब आप लोग कोई भी स्केच है ना वहाँ पर ड्रॉ करोगे उसी का आपको एक 3D कार्टून है वहाँ पर जनरेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एक नॉर्मल सी इमोजी है ना वहाँ पर ड्रॉ करी है। अब देखते हैं कि कैसे हम लोगों को जो फोटो है ना वो यहाँ पर सामने निकल के आती है। तो यहाँ से आपको 3D कार्टून है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक आपको कमाल की गैलेक्सी AI की एनिमेशन है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि दिखने में काफ़ी सही लग रही है। और अब आप लोगों को रिजल्ट है वो 5 से 7 सेकेंड के बाद में देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से फर्स्ट पिक्चर है, सेकेंड पिक्चर कुछ ऐसी है, थर्ड पिक्चर कुछ ऐसी है और लास्ट पिक्चर है वो यहाँ पर कुछ ऐसी देखने को मिलती है। तो देख सकते हो शेड वाली मैंने इमोजी बनाई थी और उसी प्रकार का जो लेआउट है ना वो आपको देखने को मिल चुका है। वापस से हम लोग इसको रिट्राई वाले ऑप्शन पे जनरेट करते हैं तो एक नया ही कार्टून है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 3 डॉट पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी को आप लोग ज्यादा कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपकी होम स्क्रीन है वहां पे जो भी चीज है ना वो विजिबल रहेगी और इसी के अराउंड आप लोग आउटलाइन है वो ड्रॉ करके वैसी इमोजी ना वहां पर जनरेट कर पाओगे। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर से ट्राई कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट वाला फीचर है ना वो भी आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकता है। आपको एज पैनल को स्लाइड करना है, सेकंड नंबर पे ये नया ऑप्शन है वो आपको मिलेगा, उस पे क्लिक करना है और यहां पर आप लोग देख सकते हो iOS 18 अपडेट की तरह ही आप लोगों को जो एज लाइटिंग है वो मिल जाती है, जो कि ये एज लाइटिंग नहीं है, गैलेक्सी AI की एनिमेशन है ना वो आप लोग इसको यहां पर कह सकते हो। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर कोई भी एक सर्किल या फिर रेक्टेंगल है ना वो आपको ड्रॉ कर देना है। अब ये वाली जो पिक्चर है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है और आप लोग एनिमेशन है वो भी देख सकते हो आउटलाइन के अराउंड। अब यहाँ पर आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो या फिर ट्रांसलेट कर सकते हो, और आपको एडवांस ऑप्शन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस अपडेट के अंदर आपको और भी गाइस 3 to 5 नए फीचर है ना वो यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि नोट्स एप्लीकेशन के अंदर नए वाले नोट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। वॉइस रिकॉर्डिंग पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग जो जो चीज बोलोगे ना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसकी एक आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी और समरी है ना वो भी आपको मिल जाएगी। तो पुरानी वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चीज बता रखी है, वापस से नहीं बता रहा हूँ। आप लोग जाके आप लोग हमारी इस वीडियो को वॉच कर सकते हो, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे देखने को मिल जाएगा। बात करें नेक्स्ट फीचर के बारे में जो कि आपको मिलता है जीमेल एप्लीकेशन के अंदर, तो ये वाला फीचर है ना वो सैमसंग का जो कीबोर्ड है उसकी मदद से वर्क करता है। आपको ये वाला आइकन दिखा दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना है, कंपोजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग कुछ भी टेक्स्ट है ना वो यहाँ पर लिख सकते हो, लीव फॉर वर्क।
अब मैंने ओनली 3 वर्ड्स लिखे हैं और गैलेक्सी एआई की मदद से 3 वर्ड की मदद से यहाँ पर आप लोग एक पूरी ईमेल है उसको जनरेट कर पाओगे। यहाँ से आपको ईमेल को सिलेक्ट कर देना है, प्रोफेशनल को सिलेक्ट करना है, जनरेट वाले ऑप्शन पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यार मतलब कि कितने काम की चीज है ना, ओनली 2 से 3 वर्ड से आप लोग पूरी ईमेल है उसको जनरेट कर पाओगे। देख सकते हो पूरी ईमेल है ना वो जनरेट हो चुकी है। रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पुरानी वाली चीज हट जाएगी और एक नए फॉर्मेट के साथ में नई डिजाइन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ट्राई कीजिए इन कमाल के गैलेक्सी एआई फीचर्स को। अब जो नेक्स्ट वाले फीचर्स है ना वो गाइस आपको मिले हैं गैलरी एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि मेरे फोन के अंदर ये 2 पिक्चर्स हैं, तो पहले क्या होता था एक पिक्चर के अंदर आप लोग ओनली एक ही कटआउट है वो निकाल सकते थे, अब एक कटआउट भी निकाल सकते हो और उसी के साइड में जो दूसरा कटआउट है वो भी आप लोग यहाँ पर इजीली निकाल पाओगे। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो आपको मिलता है स्लो मोशन का। इसके लिए सिंपली आपको एक वीडियो है ना वो यहाँ पर बना लेनी है। जैसे कि मैंने ये वाली वीडियो है वो यहाँ पर बना रखी है कुछ इस प्रकार से, बंद कर दिए, वीडियो को ओपन करते हैं, सिंपली पॉज करके एक बार मैं इसको आगे की तरफ करता हूं और अब आप लोग देखना जैसे मैंने क्लिक कर दिया है ना वीडियो है वो यहाँ पर स्लो हो चुकी है। क्लिक करने के बाद में स्लो हुई है, छोड़ोगे तो वापस से वीडियो है ना वो यहाँ पर पहले की तरह चलने स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को डाउनलोड भी इजीली यहाँ पर कर पाओगे। तो काफ़ी एक कमाल का फीचर है ना वो आपको यहाँ पर इस अपडेट के अंदर देखने को मिला है। बाकी आपको और कुछ फीचर्स के बारे में जानना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेना और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।